गुड मॉर्निंग एवरीवन। और ये सुबह के 9 बज रहे हैं और यहाँ पे आरवी और उसकी मम्मा सो रही है, क्योंकि एक्चुअली आरवी का तबीयत सही नहीं है, उसको सर्दी खांसी हो रखा है, तो काफ़ी लेट से सो गई है, अभी तक सो ही रही है लोग। बाकी मैं उठ गया हूँ, मैं जा रहा हूँ फ्रेश होके नहा कर फिर ऑफिस जाऊँगा, और ये दोनों अभी मस्ती से सो रहे हैं। चलिए मैं नहा के आता हूँ, तब आपसे मिलता हूँ। तो गाइस मैं अभी सो कर उठी हूँ। अभी रात भर जगी थी, 3:30 बजे सोई। आज घर का कुछ काम नहीं किया और टाइम हो रहा है 12:30, 1 बजने वाला है। आरवी भी अभी उठी है, अब उठ के देखती हूँ क्या काम हुआ है क्या नहीं हुआ है। तो यहाँ आरवी पॉटी की थी, अभी हम साफ करके यहाँ फेंक दिए हैं। अब तो अभी हम इसको खांसी का दवा पिलाए हैं, क्योंकि इसको खांसी हो गया है। विक्स लगाए हैं, सर पे तेल लगा दिए हैं, ताकि सर्दी खांसी जो हो ज़्यादा इफेक्ट ना करे इसको, क्योंकि बच्ची है, इसका इम्यूनिटी भी कमज़ोर होता है, तो बहुत रो रही थी। अब इसको ललचाने के लिए इसको विक्स दे दिए हैं, ये भी लगा दिए हम। अब देखते हैं कब सोती है, क्योंकि मुझे बहुत ज़ोरों से नींद आ रही है। मैं सोई हूँ कितने बजे, शायद 3:30 या 2:30 बजे ऐसा कुछ। तो गाइस मैं हो गई हूँ फ्रेश नहा वहा कर, और आरवी को आज नहीं नहलाई क्योंकि आरवी को सर्दी खांसी हुआ है। तो अभी आरवी उठी है, बेड वगैरह अभी क्लियर करना है, एक ब्लैंकेट कर दी। अब आरवी मुझे लग रहा है पॉटी करती है। आरवी यहाँ बैठी है, अब आरवी को जल्दी से हम लोग क्या करेंगे, इसको फेस क्लियर करेंगे, इसको पॉटी साफ करेंगे और फिर इसको खाना खिलाएंगे। देखिए मेरा बेटी का हाल क्या हो गया, जल्दी खाची से। अरे कैमरा नहीं पकड़ो, कैमरा ही पकड़ लेती लड़की। हाँ लड़की तो कैमरा ही पकड़ लेती है। बैठो चलो पहले पॉटी क्लीन कर दे। तो यहाँ तो आरवी की है पार्टी। बॉय अब पता नहीं मुझे, मैं देखती हूँ, मुझे लगा कि वो पार्टी की है। छी 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 बाद में। तो आरवी को सर्दी भी हो गया है, उसको नाक में ड्रॉप डाल देते हैं ताकि नोज उसका क्लियर रहे। रुको रुको रुको। आरवी को पैंट पहना देती हूँ, उसको साफ कर दिए पॉटी, नॉइजल भी डाल दिए हैं, है ना। तो खाओ तो अब नहीं करेंगे, चलो ना अब खाना तुमको खिला देते हैं। चलो तुम्हारा जीभ साफ करके खाना खिला देते हैं। तो मैं अब आरवी को खाना खिलाऊं, उससे पहले मैं उसका जीभ साफ करना चाहती हूँ, क्योंकि जीभ साफ रहेगा तो अच्छे से बच्चे खा पाएंगे। तो आरवी का जीभ तो साफ हो गया, लेकिन पानी में गर्म करके लाई थी वो ठंडा हो गया। तो मैं अब जा रही हूँ आरवी को लेकर पानी गर्म करने। मैं मोबाइल लेकर नहीं जा पाऊंगी, क्योंकि आरवी को गोदी में लेके जाना पड़ेगा, यहाँ पे छोड़ूंगी तो गिर जाएगी, कोई है भी नहीं उसको संभालने के लिए यहाँ पे। तो गैस मैं आती हूँ पानी गर्म करके। तो पानी हो गया है गर्म, मतलब गर्म करके लाई। अब आरवी का खाना निकालूंगी जल्दी से, इसको भी बंद करती हूँ, नहीं तो ठंडा हो जाता। ठंडा का मौसम में पानी इतना जल्दी ठंडा हो जाता है। दुकान डाल दो। आरवी को भी सर्दी है इसलिए चावल नहीं दूंगी, इसको सरल लेके खिलाऊंगी और रात को रोटी दूध। तो आरवी का हो गया है खाना रेडी, आपको दिख रहा होगा हल्का हल्का, ये देखिए खाना रेडी हो गया। सर्दी में बच्चों को सॉलिड फूड नहीं दिया करते, लिक्विड ही दिया करते छोटे बच्चों को, ऐसा मैंने यूट्यूब में देखा है। तो अब मैं देखती हूँ ठंडा हो गया है कि नहीं, उसके बाद मैं इसको खिलाऊंगी। तो यहाँ पर आरवी टीवी देखते देखते अपना खाना खा रही है, इससे क्या होता है कि खांसी तरफ ध्यान भी नहीं रहेगा और थोड़ा सा अच्छा सा खा भी लेगी मेरी बच्ची।
क्योंकि अभी देख कल भी खाना खाई थी तो वॉमिटिंग कर दी थी, इसलिए इसका ध्यान भटकाने के लिए मुझे टीवी चालू करना पड़ता है। वैसे ये टीवी चालू हो या ना हो ये खा लेती है, पर तबीयत खराब होने की वजह से थोड़ा सा तो खाते के साथ सारा उल्टी कर दी। क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा। सो गया बच्चा, रुको 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 रुको, खाते के साथ सारा निकाल दी मेरी बेटी। उधर नहीं, उधर देखो अरवी, देखो देखो बेटा देखो, पानी भी गर्म है, पिला नहीं सकती। रुको थोड़ा सा अच्छा लगेगा। सोच रही हूँ आरवी का सारा खिलौना निकाल दूँ, बेड तो ऐसे ही रहेगा, बच्चे जहाँ पर रहते वहाँ, तो घर का क्या बोलूँ। अभी तो फिर भी थोड़ा बहुत ठीक है, एक ही रूम ये हो रहा है, जब चलने लगेगी तब सारा घर का हाल बेहाल हो जाएगा। मैं नाश्ता लेकर आ गई हूँ, चाय सब्जी गाजर का हलवा रोटी, अब मैं जा रही हूँ खाने, भूख लगी है। आरवी को थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी और मिट्टू को भी थोड़ा थोड़ा खिलाऊंगी। तो यहाँ पे मैं नाश्ता कर रही हूँ। अरे बेटा ना जी, परेशान करते रहती है, परेशान करते रहती है। पापा पापा तो यहाँ पर आरवी का कपड़ा खोलकर मैं उसको मालिश करने के लिए तैयार कर रही हूँ। अब उसको मालिश का टाइम हो गया उसका, तो उसको मालिश कराना बहुत अच्छा लगता है। वैसे तो मैं दोपहर में एक ही बार मालिश करती हूँ, गर्मी में मैं उसको 5 बार करती थी, लेकिन अभी ठंड का टाइम है तो उसको 1 बार ही करती हूँ। और मालिश करने के बाद उसकी सारी थकावट दूर हो जाती है और वो फिर सो जाती है, इसलिए उसको मालिश कर देती हूँ। अच्छे से मालिश होने के बाद वो सो भी गई है, तो मैं उसको सुला दी, क्योंकि उसका सारा थकावट दूर हो जाता है, तो वो चाहती है बस कि हमको गोद में लेकर जल्दी से मम्मा सुला दे। उस टाइम सोई थी, उसके बीच उठी तो वॉमिटिंग कर दी, फिर मुझे साफ़ करना पड़ा, फिर मैं जल्दी जल्दी थोड़ा सा खाना खाई, रिकॉर्डिंग करने का टाइम नहीं मिला, अकेली थी, और फिर इसको काफ़ी ज़्यादा खांसी बढ़ गया है। तो अभी बच्चा को मैं तब से ली थी, अभी उठी है, थोड़ा सा बैठी हुई है,
सर्दी भी हो गया है इसको, अभी थोड़ा बहुत इसको उलझाई हूँ मैं खेलने में। अब मेरे हबी गए हैं कल के लिए तिलकुट वगैरह लाई वगैरह लाने के लिए, क्योंकि कल दही चूड़ा है। तो आरवी के पापा बलसाही लाए हैं खाने के लिए। आरवी देखिए क्या कर रही है उसको। उधर मिठू लोग भी आया है, वो लोग को भी भूख लगा है, वो लोग को भी सोच रही हूँ खिला दो थोड़ा। तो जैसे हम सबका डिनर हो गया था और मैं रिकॉर्डिंग करना भूल गई, और डिनर करने के बाद आरवी को नींद आ रही थी तो मैं इसे गोद में लेकर बैठी और सो गई। इसके बाद मैं स्वेटर चेंज की और आरवी को लेकर बेड पे आ गई, और हम लोग अब सोने की तैयारी कर रहे हैं। तो आप सबको गुड नाइट।